कमल शौजब साहब, पुलिस पहुंचाई जा रही है सिंध से, एफसीबी पहुंच रही है, रेंजर्स को भी जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस को तो आपने देख ही लिया है कैसे वो कसुंड मारते हैं जो बंदा उनके काबू आ जाए, और कैसे वो गले में तख्तियां डाल के वो तस्वीरें बनाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इतना आसान नहीं रहेगा अभी आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। आप जो बात कर रहे हैं, मैं सैलाब पे भी ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि मेरे वुमन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और हमारी ख़वातीन खुद कंट्रीब्यूट करके आपके कैंप्स में भी आती रही हैं और वहाँ भी कंट्रीब्यूशन करती रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में भी गई हैं और यहाँ से इमदादी सामान भी भेजा है। तो मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि मेरी जो ख़वातीन है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है। बाकियों की मैं कोई बात नहीं करूँगी। सरकार वाकई गायब है, क्योंकि सरकार तो चली गई थी अमरीका और वहाँ एक रात का जो है वो 7 करोड़ रुपया भर रही थी और मजे मारे थे। ऐसी ऐसी बेंटलेज मैंने देखी हैं जो अब आए हैं सरकार का ख़जाना संभालने के लिए चोर, वो ऐसी ऐसी उसने गाड़ियाँ रखी हुई हैं कि मेरे और आप जैसे बंदों को तो शायद पता भी नहीं हो। आपकी मैं बात नहीं करती, मेरे जैसों को तो शायद पता भी नहीं होगा, मैं तो देखी भी नहीं है ज़िंदगी में। नहीं, जहाँ तक आपने बात की कि जी एफ सी और सिंध पुलिस को बुलाया जा रहा है, तो आप देखेंगे अभी इन्होंने दूसरी दफ़ा वहाँ पे जो 7 ज़िलों में ज़िमनी इंतखाबात होने थे उनको मुलतवी किया, ये कह के कि जी सिंध सरकार जो है वो मसरूफ़ है। लेकिन यहाँ पे हंगामा राई करने के लिए, हमारे जैसे नहितों के ऊपर शेलिंग करने के लिए, मारपीट करने के लिए, खून रेजी करने के लिए, जो राना कातिल जैसा इन्होंने एक घटिया आदमी बदमाशिया का सरबरा बनाया है वजीर दाखिला, वो बड़े ओपनली कह रहे हैं कि जहाँ नज़र आ जाए इनको सड़कों पर लिटा के जूते मारो। तो इनसे पूछना था कि जिस वक्त आप यहाँ पे पीडीएम पूरी चढ़ाई किया करती थी 14 जमातें और यहाँ पे वो पीली डंडा बरदार फोर्स को आपने पार्लियामेंट लॉजेस में घुसाने की कोशिश की थी, उस वक्त आपके भी सिर मुन के डंडे और छितर मारे जाते तो फिर आप ठीक रहते। देखिए ना, केपी की पुलिस के साथ क्या सलूक हुआ परसों इलेक्शन कमीशन के बाहर। साले मोहम्मद एक शरीफ तरीन आदमी है, हमारे MNA हमारे साथ कलीग रहे हैं, ये वो बंदा है जिसको हम कहते हैं ना बीबा बंदा, जिसने हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना, उसको आपने देखा है वीडियो है किस तरह पकड़ा और फिर उसके साथ क्या सलूक किया, ये इश्तियाल अंगेजी। अच्छा, एक सादा कपड़ों वाला बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है इशारे करके, वो बता रहा है उधर मुंह करके दूसरी तरफ इशारा करके बता रहा है कि वो बंदा पकड़ लो, वहां बैठा हुआ बोल रहा है। ये क्या चक्कर है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा आप देखें कि केपी की पुलिस के जो नौजवान थे उनको किस तरह इन्होंने उठाया। ये असल में जो एथनिसिटी की बुनियाद पर पश्तूनों को इश्तियाल दिला के जो खूनरेजी करवाना चाहते हैं, हमें इनके सारी वारदातों का बहुत अच्छी तरह पता है। इनकी जो वो मालकन है वो कभी पंजाबी जाग के नारे लगाती है, पंजाब की बेटी बन जाती है, कभी कोई पंजाबियों की गैरत जगाती है, तो ये बेहुदगी इनके अंदर मौजूद है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान की जमात है और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वाहिद लीडर है जिसको हर जुबान बोलने वाले ने पाकिस्तान के हर इलाके से वोट डाल के इलेक्ट किया। अभी भी वो इस वक्त भी 6 हलकों का अकेला इलेक्शन जीत के आया हुआ और 7वीं सीट उसकी जो झूठ बोल के इन्होंने नाहली, एक जो जाली किस्म की नाहली अपनी फरमाइशी गुलाम इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू राइटिंग में करवाई है कि ये जनाब हमारी फरमाइश है पूरी कर दो, जिस किसी तरीके से इसको मैदान से बाहर करो, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जो सबस किताब है ना, इसको खुदा ना खास्ता हम रद्दी की टोकरी में फेंकने नहीं देंगे। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हम इन्हें याद कराएंगे और अदालतों के दरवाजे उस वक्त तक खटकाएंगे सबस किताब के साथ जब तक वो नहीं खुलेंगे, और जब तक अदालतें अपनी आंखों पे पट्टी बांध के डिस्क्रिमिनेशन करनी बंद नहीं करेंगे हम नहीं पीछे हटेंगे। जमहूरी रवैया यही होता है जो हमने अपनाया हुआ है कि हम आइन और कानून की हदूद की पासदारी करते हुए अपने हकूक मांगते हैं। और इमरान खान वाहिद लीडर है, 24 FIR कटी है, दूसरे इमरान आप हैं जिनके ऊपर 10 FIR कटी है। मुझे बता दे पाकिस्तान के इसी आइन में कहां लिखा है 21? आपने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है माशाल्लाह, 3 से आप पीछे हैं। मुझे ये बताएं 1 FIR जो है वो पाकिस्तान के हर कोने में कट जाए, ये कौन से आइन में हो रहा है? और तो और जो दुनिया के किसी लंदन में कुछ हो जाए, मदीना शरीफ में कुछ हो जाए तो FIR यहाँ पाकिस्तान में कट जाती हैं। आप यकीन माने 25 मई को मुझे तो मालूम भी नहीं, एक मीडिया चैनल ने मेरी फुटेजेस दिखाई थी, मैं ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी हुई थी, 1.5 घंटा मैं डी चौक पर रही हूँ, मेरे लंग्स डैमेज हुए, मुझे कम अज़ कम 20 दिन जो है वो स्टीरॉइड्स खाने पड़े, आज तक मैं उसकी वजह से हेल्थ की इश्यूज का शिकार हूँ। हमने FIR पूरे इस्लामाबाद में जाके मिन्नत की कि FIR काटो, हमारे शहरी होने के हकूक पामाल किए गए, हमारी FIR नहीं काटी गई। तो जो शहरी हैं वो धुर बनाए जाएं, और जो ये अशराफिया बदमाशिया, अशराफिया नहीं है ये बदमाशिया, ये माफिया,
ये गुंडागर्दी करें, अलग ऐलान ट्वीट्स करें, वो हिना परवेज बट करें ट्वीटें, मरियम वहाँ ट्वीट्स पे कभी फितना गिरी का नाम दे, कभी इंस्टिगेशन करे, और वो आगे गुलाम जो कातिल रखा हुआ है बदमाशिया का लीडर, 14 कत्ल दिन दहाड़े उधर मॉडल टाउन में करने वाला और 22 कत्ल बतौर बकौल आबिद शेर अली के वालिद साहब के करने वाला, चप्पा चप्पा फैसलाबाद में हर बच्चा उसको जानता है कि क्या है, उसको किस काम के लिए रखा है कि आम सिविलियंस के ऊपर फायरिंग करें। एक बार फिर नंबर वन बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। के जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर वन। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।